आई एम ईशा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा द ऑलराउंडर में आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कलर कलर एंड ऑल ओवर कलर्स। तो कुछ लोगों को डाउट होता है कलर्स के ऊपर, तो आज वो डाउट क्लियर होने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एकदम भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपके कलर्स के ऊपर जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो बेसिकली हम कलर्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट न्यूट्रल कलर्स, सेकंड प्राइमरी कलर्स और थर्ड सेकेंडरी कलर्स। तो फर्स्ट न्यूट्रल कलर्स में हम व्हाइट एंड ब्लैक लेते हैं। न्यूट्रल कलर्स टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट व्हाइट एंड ब्लैक और सेकेंड प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स तीन प्रकार के होते हैं, जो कि येलो, रेड एंड ब्लू। ये तीनों कलर्स प्राइमरी कलर्स हैं। तो गाइस, ये है वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां पे प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर्स हम निकालेंगे। तो ये रहे प्राइमरी कलर्स, रेड, येलो एंड ब्लू। हम रेड को एक बार येलो के साथ मिलाएंगे, जहां पर हमें एक सेकेंडरी कलर मिलेगा जिसका नाम है, आप खुद देख सकते हो, ये है ऑरेंज। एंड दूसरा सेकेंडरी कलर है येलो के साथ हम ब्लू का मिलाएंगे जिसका नाम है ग्रीन। और थर्ड सेकेंडरी कलर है रेड के साथ ब्लू को मिलाने से होगा वो, और वो है वायलेट। आप देख सकते हो वायलेट कलर निकल के आया है, प्यारा सा, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये रहे हमारे सेकेंडरी कलर्स, ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट। गाइस, बस ये मत सोचिए कि हम सिर्फ प्राइमरी कलर से ही सेकेंडरी कलर्स क्रिएट कर सकते हैं। बाय मिक्सिंग ऑफ प्राइमरी एंड न्यूट्रल कलर्स हम सेकेंडरी कलर्स को क्रिएट कर सकते हैं, एंड बाय मिक्सिंग ऑफ प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड न्यूट्रल कलर्स, इन तीनों को मिलाने पर हम टाइटरिंग कलर्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैं इसके बाद के वीडियो में पोस्ट करूंगी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।